ताने मिलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। जाती मुफाद के लिए सिपा सालार से मुलाकात नहीं की, मकसद मुल्क को आगे बढ़ाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाराकहू बाईपास मनसूबे की तकरीब से खिताब, कहा हमारा एक ही मकसद था, सियासतदान और इदारे मिलकर काम करें, मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। बाराकहू मनसूबा भी नवाज शरीफ का विजन था और है। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। सेहत इंश्योरेंस कार्ड के मुआहदे की तकरीब में बोले, नवाज शरीफ के दौर में आम आदमी के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा किया गया। बुनियादी हुकूक खत्म या कम करने का इख्तियार रियासत को भी नहीं होता। बुनियादी हुकूक के खात्मे को पार्लियामेंट की मंशा पर नहीं छोड़ा जा सकता। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ जस्टिस मुनीर के रिमार्क्स, कहा आपकी थ्योरी ये है कि रियासत बुनियादी हुकूक में कमी का इख्तियार रखती है। जस्टिस आयशा मलिक बोली, कोर्ट मार्शल अदालत नहीं है तो फिर इसे क्या समझा जाए। अटर्नी जनरल बोले, अदालत को एतमाद में लिए बगैर कोई ट्रायल शुरू नहीं होगा, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तोशा खाना केस काबिले समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर दलाइल मुकम्मल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 3 बजे तक मुलतवी कर दी। ट्रायल कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर आज ही समाअत की सदा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त 3 बजे के बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर लूंगा। सिंध में निगरा सेटअप पर मुशावरत का आगाज कल से मुतवक्के, मुराद अली शाह और सीनियर गुजरा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को राय देंगे। निगरा वजीर आला सिंध के लिए मुतादिद नामों पर गौर किया गया है, एमकेएम से भी मुशावरत की जाएगी। जिना हाउस हमला जलाओ घिराओ केस, एजाज चौधरी और महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 17 अगस्त तक तोसी, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को चालान पेश करने का हुक्म। उमर सरफराज शीवा के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज की तोसी, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 17 अगस्त को पेश करने का हुक्म। कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी में रिजवाना तशद्दुद केस पर गौर, वजारत कानून और पुलिस हुकाम की अदम शिरकत पर कमेटी बरहम। चेयरमैन ने कहा कि वजारत कानून और पुलिस का मौकिफ जानना जरूरी था, लगता है कि वजारत कानून और पुलिस संजीदा नहीं। केस पर मीडिया और सोशल मीडिया पर रद्दअमल आया, महरीन रजाक भुट्टो बोली, वजारत इंसानी हुकूक ने खामोशी इख्तियार की, वजारत को अभी तक लड़की की सही उम्र मालूम नहीं, कहीं 14 साल कहीं 13 तो कहीं 17 साल लिखी गई है। सिविल जज कहते हैं कि मेरी बीवी को नफ्सियाती मसला है। मकबूजा कश्मीर के पहाड़ी कबाइल गुज्जर और बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देने के खिलाफ शदीद एहतजाज, पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर की आज़ादी के फलक शगाफ नारे, मोदी सरकार के फलक शगाफ नारों से नींदे हराम। मोदी हुकूमत ने पहाड़ी बरादरी को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देने के लिए बिल पेश किया था। बीजेपी हुकूमत मकबूजा वादी में इंतखाबी गेम प्लान के तहत इकदाम कर रही है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल, साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब को अमेरिका जाने से रोक दिया गया, FIA हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर रोक लिया। डॉक्टर अतर महबूब 25 जुलाई को रिटायर्ड हुए थे। साबिक चेयरमैन PCB एजाज भट्ट 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। दामाद आरिफ सईद का कहना है, एजाज भट्ट तवील अरसे से बीमार थे। एजाज भट्ट ने 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2008 से 2011 तक चेयरमैन PCB रहे। PCB का इंतकाल पर इजहार ताज़िया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकायक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।